दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी की लिखी हुई एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्यूड द ऑब्स्क्योर। दोस्तों इस नोवेल को 1894 में थॉमस हार्डी ने मैगजीन में सीरियली पब्लिश करवाया था और 1895 में इसको फुल बुक के वर्जन में पब्लिश करवाया गया। दोस्तों ये थॉमस हार्डी की लास्ट नोवेल थी जिसको थॉमस हार्डी ने कंप्लीट लिखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों इसकी, बहुत मज़ा आने वाला है इस नोवेल को पढ़ने में। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ये थॉमस हार्डी की लास्ट नोवेल थी जिसे उन्होंने पूरा कंप्लीट लिखा था। ये 19 सालों की कहानी है। डेट स्पेसिफिकली आपको नोवेल्स में मिलेगी, अच्छी तरह से दे रखी है। इस कहानी में ज्यूड नाम का इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है जो अपनी पूरी लाइफ में सफ़र करता है। उसकी नोवेल की शुरुआत में 11 साल उम्र होती है और एंड में उसकी उम्र होती है 30 साल जब उसकी डेथ होती है, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा की उम्र होती है। हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वेसेक्स से, जहां पर थॉमस हार्डी अपनी सेटिंग रखते हैं हमेशा ही, वेसेक्स नाम के एक फिक्शनल टाउन से। विक्टोरियन एज चल रही थी इंग्लैंड में, क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पर थी उस वक्त। इस कहानी में ज्यूड नाम का एक लड़का होता है जो अनाथ है, गरीब है, उसको उसकी ग्रेट आंट ने पाला है। वो बेकरी में काम करता था अपनी ग्रेट आंट की। तो वहाँ पर इसको एक ड्रीम था, इसका एक सपना था कि ये पास ही के एक टाउन की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेगा। इसका एक टीचर था रिचर्ड फिलिप्सन, उसने इसमें ये इच्छा जगाई थी क्योंकि ये रिचर्ड फिलिप्सन इसके चाइल्डहुड में खुद वहाँ पर चला गया था उस यूनिवर्सिटी में। कोई यहाँ पर पहले तो स्कूल मास्टर था ये, तो वो उस यूनिवर्सिटी में चला गया था इसके चाइल्डहुड में, ज्यूड के चाइल्डहुड में। तो इसको इंस्पायर कर गया जाते जाते, ज्यूड उस वक्त बच्चा था, तब से इसके मन में ये ख्याल आ गया। तो इसने क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ना शुरू कर दी और भी दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन आगे चलकर जब ये पढ़ रहा था तो इसकी पढ़ाई से इसका ध्यान हट गया, इसके गोल से इसका ध्यान हट गया और एक लड़की आई इसकी ज़िंदगी में जिसका नाम था अरबेला। उसकी वजह से, जो बहुत मतलब एक तरह से ऐसे स्टेटस की लेडी थी जिसका काम था लड़कों को फंसाना, तो इसके साथ वो रही और नाटक करने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझसे शादी कर ले। ज्यूड यहाँ पर बेचारा सीधा लड़का, वो शादी कर भी लेता है, लेकिन जल्दी से, बहुत ही जल्दी इनकी शादी क्या है टूट जाती है। अनहैप्पी मैरिज थी, ऐसी दबाव में शादी की थी तो वो शादी टूट गई और इनकी अनहैप्पी मैरिज की टूटने की वजह से अरबेला तो चली गई ऑस्ट्रेलिया और ज्यूड ने वापस अपने गोल की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया कि यूनिवर्सिटी में जाना है। इसको शुरू शुरू में बड़ा एक्साइटेड था ये कि यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन बाद में इसको पता चला कि बिना वेल्थ और सोशल स्टेटस के इस यूनिवर्सिटी में एंटर होना बहुत 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 मुश्किल है, तो ये वहाँ पर एंटर नहीं हो सका। अब जब ये वहीं क्रिस्टमिंस्टर में था तो इसकी मुलाकात हुई, इसकी एक इंटेलिजेंट कज़न थी सू, उससे इसकी मुलाकात हुई और इमिडिएटली इसको उससे प्यार हो गया। तो इसने अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश की क्योंकि ये गलत था। तो दोस्तों वहीं पर इसको जॉब मिल गई सू के साथ में ही। और दोस्तों इसका जो स्कूल मास्टर था वो रिचर्ड फिलिप्सन, जिसने इसके मन में इच्छा जगाई थी यहाँ आने के लिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो बंदा भी यहीं पर था। और यहाँ पर कमाल की बात सुनो कि उसे भी इस यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर ये एक स्कूल टीचर बन गया। इसकी उम्र स्यू से 20 साल ज़्यादा है, सू से इसकी उम्र 20 साल ज़्यादा है, लेकिन इसने सू ने इस फिलिप्सन के साथ में एंगेजमेंट कर ली है। लेकिन अब सू को इस अपनी गलती का एहसास होता है और इस सू की ज्यूड के साथ में क्लोजनेस बढ़ती जाती है। दोस्तों सू को बिल्कुल भी रिलीजन वगैरह में इतना विश्वास नहीं है, अब इन दोनों का रिश्ता मजबूत होता जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ज्यूड तो सू को बड़ा पर्सनली पसंद करता है, लेकिन सू की फीलिंग्स यहाँ पर अभी अनक्लियर है। लेकिन यहाँ पर सू है तो करीब इसके, तो इसको बड़ा झटका लगता है इस बारे में जानकर कि ज्यूड की तो पहले से ही शादी हो चुकी है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो ये मिस्टर फिलिप्सन के पास वापस चली जाती है, उससे शादी कर लेती है। अब दोस्तों इन दोनों की शादी हो चुकी है, मिस्टर फिलिप्सन और सू की। तो ज्यूड यहाँ पर डिप्रेशन में आकर शराब पीना शुरू कर देता है। फिर इसकी वापस मुलाकात होती है अपनी पहले वाली वाइफ अरबेला से, जो इसको छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वो ऑस्ट्रेलिया से लौट आई है और ये उस रात अरबेला से मिला। हालांकि ये अरबेला से अलग हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका आपस में गुस्सा है कोई, तो ये मिला। यहाँ पर दोस्तों ज्यूड की सू से भी मुलाकात होती रहती थी,
वो अभी रुकी नहीं थी उसकी शादीशुदा लाइफ होने के बावजूद। सू जूड को बताती है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अभी अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब उसकी पहचान ख़त्म होती जा रही थी शादी के बाद में, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत हो गया उसके और उसके हस्बैंड के बीच में, विलियटसन के बीच में। तो ऐसे में ये सू अपने हस्बैंड विलियटसन से जाकर बोलती है कि मुझे जूड पसंद है तो मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। अब विलियटसन एग्री हो गया क्योंकि वो भी शायद उससे परेशान था कि जाओ तुम जूड के साथ रहो। लेकिन बाद में इसको विलियटसन को खुद इस बात का एहसास हुआ कि इसने गलत डिसीज़न ले लिया सू को उसके पास भेजकर, जूड के पास भेजकर, क्योंकि इसकी जॉब और सोशल रिस्पेक्ट जो थी वो इससे छिन गई। अब जूड और सू में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, ये दोनों मिलते हैं और साथ रहने लगते हैं, साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते, रिलेशंस भी नहीं बनाते, क्योंकि सू ऐसा कुछ नहीं चाहती। अब यहाँ पर दोस्तों ये एराबेला जूड से बोलती है कि तुमने जब पहले मुझसे शादी की थी तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, सचमुच प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पर 8 महीने बाद मुझे एक बच्चा हुआ था, तो वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसकी जिम्मेदारी लो, तुम उसे संभालो। अब दोस्तों यहाँ पर जूड और सू ये दोनों एग्री हो जाते हैं उस अनवांटेड बॉय को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो बच्चा कहर इनको तो पता भी नहीं था कोई बच्चा भी है, लेकिन वो बच्चा इनके पास आ जाता है रहने के लिए। उस लड़के का कोई नाम नहीं है, बहुत सीरियस बच्चा है, तो उसका नाम ये रख लेते हैं, निकनेम रख लेते हैं लिटिल फादर टाइम। बड़ा उदास सा सीरियस बच्चा था, मतलब कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कुछ भी हंसना खेलना नहीं। अब ये दोनों जूड और सू आपस में रह तो रहे हैं, लेकिन इनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, मतलब कि ये अपनी रिस्पेक्ट खोने लगे थे अपने अनमैरिड स्टेटस के चलते। इनको कुछ काम वाम भी मिलता जो नहीं मिलता था, क्योंकि इनका स्टेटस ऐसा है, उस टाइम पर विक्टोरियन एज में ऐसा ही स्टेटस था। तो उस पर थॉमस हार्डी ने कमेंट किया है कि उस वक्त एक अनमैरिड रहने वाले लड़का लड़की को कैसा सफ़र करना पड़ता था। अब धीरे धीरे साथ रहते रहते इन दोनों में प्यार बढ़ता गया और एक ठीक लाइफ जीने लगे। तो जूड ने कन्विंस कर लिया इसको, सू को, और इन दोनों के 2 बच्चे हो गए, लेकिन शादी इन दोनों की अभी तक नहीं हुई है। लिटिल फादर टाइम के साथ में वो उन 2 बच्चों की भी केयर करने लगे, 3 बच्चे ये पाल रहे थे अपने साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर जूड कुछ टाइम के लिए बीमार पड़ गया, तो जब वो बीमारी से रिकवर हुआ, वो बीमार पड़ गया फिर वो रिकवर हुआ, तो उसने डिसाइड किया कि लाइफ की इन सारी चीज़ों के बीच में इसका जो ड्रीम था क्रिस्टमिंस्टर में जाने का, वो ड्रीम तो अधूरा ही रह गया, तो इसे वापस वो ड्रीम परस्यू करना है। लेकिन इसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अनमैरिड थे, इनके बच्चे भी थे, तो इनको कोई भी कमरा नहीं दे रहा था रहने के लिए। तो अब जूड और सू दोनों अलग हो गए, जूड तो अकेला रहता था और सू बाकी के 3 बच्चों के साथ में रहती थी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक रात ये सू बहुत डिप्रेशन में थी, तो इसके साथ में ये जो बच्चा था लिटिल फादर टाइम, ये भी बहुत डिप्रेशन में था। लिटिल फादर टाइम को ऐसा लग रहा था कि मैं लिटिल फादर टाइम और दूसरे बच्चे जो इनके हुए हैं, इन दोनों के, सू के और जूड के, हम 3 बच्चे इन दोनों की प्रॉब्लम्स का कारण हैं, जूड और सू की प्रॉब्लम्स का कारण हम तीनों हैं। अब अगले दिन जूड और सू ने क्या देखा कि लिटिल फादर टाइम ने खुद को और अपने साथ इन दोनों बच्चों को मार दिया और खुद को फांसी लगा ली, खुद भी लटक गया। बहुत ही हॉरिबल सीन था। ये चीज़ देखकर सू तो बेचारी गिर गई, अंदर तक टूट गई और पागलों की तरह खुद को ब्लेम करने लगी, मतलब उसने रिलीजन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सेक्स के लिए वो पागल हो गई थी इसलिए उसको ये पनिशमेंट मिली है, ऐसा वो मानने लगी। तो उसने जूड को छोड़ दिया और विलियटसन के पास वापस आ गई, जबकि उसकी फीलिंग्स अभी भी जूड के साथ जुड़ी हुई थी। जूड को फिर से फोर्सफुली एराबेला से शादी करनी पड़ी, तो अब दोनों शादियाँ अनहैप्पी थी। इस बीच जूड बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया, तो वो एक आखिरी बार सू को देखना चाहता था, तो बारिश में सू से मिलने गया आखिरी बार, और वहाँ पर इसने सू को किस किया, तो सू ने उसे अपने से दूर भेज दिया। ये लास्ट टाइम जूड सू से मिला था, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद एराबेला ने इमिडिएटली एक नए हस्बैंड की तलाश शुरू कर दी। और दोस्तों इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है।